हमारे चैनल नाउ फिल्मी साइंस में आपका स्वागत है। फिल्म की शुरुआत आशा नाम की एक लड़की को दिखाने से होती है, जो अपनी कहानी बता रही थी कि 5 साल पहले आने वाला सुनामी बहुत खतरनाक था। पूरा शहर पानी में डूब गया, करोड़ों लोगों की जान चली गई। लोगों ने खुद को और अपनी फैमिलीज को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रह चंद गिने चुने लोग ऐसे थे जो उस वक्त ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की छतों पर चले गए, जिस वजह से उन लोगों की जान बच पाई। उन्हीं लोगों में आशा भी शामिल थी। वो काफी उदास है, थकी हुई भी है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो उठ खड़ी हुई। पिछले 5 सालों से आयशा एक तबाह हुई बिल्डिंग में रह रही है, जो सुनामी में डूबे हुए शहर के बीचों बीच थी। बिल्डिंग में उसके अलावा और कोई भी नहीं रहता। बिल्डिंग की छत पर आती है, उसने बारिश का पानी जमा करके रखा हुआ था, जिसे उबालकर वो अपने लिए कॉफी बनाती है और वहीं पर छुपाया हुआ एक रेडियो बाहर निकालती है और गाने सुनने लगती है, जिससे उसे काफी अच्छा महसूस होता है। इसके बाद हम पूरे शहर का बिगड़ा हुआ हाल देखते हैं। सारी बिल्डिंग्स हर जगह बंजर हैं। अब इन हालात में आशा के लिए सबसे बड़ा मसला पानी का था, क्योंकि अगर यहाँ पर बारिश ना हो तो पीने के पानी के लिए काफी मसला होता है। इसलिए आशा छत पर रखे हुए सामान के ऊपर जो जमा हुआ पानी पड़ा होता है, उसे कपड़े से साफ करती है। फिर कपड़े को निचोड़ कर मिले हुए पानी को वो बोतल में बंद करके रख लेती है। इस तरह वो अपने पीने के लिए पानी इकट्ठा करती है, पर इसे भी वो छुपा के रख लेती है, क्योंकि यहाँ पर सामान ना होने की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लुटेरे बन चुके हैं, वो लूट लेते हैं। कितनी बॉटल्स रह गई थी, आशा ये सब कुछ डायरी में नोट करती रहती है। इसके बाद वो आसपास की जगह को दूरबीन के जरिए देखने लगती है। अचानक एक पूरी बिल्डिंग पानी की वजह से नीचे गिरकर डूब जाती है। ऐसे करते करते बहुत सारा शहर पानी में डूब गया था। अब जब उसने नीचे पानी में देखा तो वहाँ एक बॉक्स था जो पानी में तैर रहा था। आयशा सोचती है कि इसमें जरूरत का सामान होगा, इसीलिए वो नीचे वाले घर में आ जाती है, जो भी पूरा पानी में डूबा हुआ था। पर यहाँ से आयशा उस बॉक्स पर पिन मार कर उसे अपनी तरफ रस्सी के सहारे खींचने लगती है, लेकिन पानी में जो मछलियाँ थी उनमें से एक उस बॉक्स को पकड़ लेती है। इसीलिए आशा जब उसे खींच नहीं पाती तो वो आगे की तरफ हो जाती है। तब टूटी हुई जगह की वजह से उसे चोट लग जाती है, पर अभी भी वो हिम्मत नहीं हारती। पूरा जोर लगाकर बॉक्स को अंदर खींचने लगती है और आखिरकार बॉक्स उसे मिल ही जाता है। आशा ने जब बॉक्स को खोलकर देखा तो अंदर एक शराब की बोतल के अलावा और कुछ नहीं था, जिसे ही लेकर वो ऊपर आ गई। उस शराब से अपनी चोट साफ करने लगती है। शाम को जब वो बैठी थी तो उसे कुछ दूरी सी आवाजें आने लगी। उसने जब दूरबीन के जरिए देखा तो कुछ लुटेरे खाने की तलाश में इसी बिल्डिंग की तरफ आ रही थी, जिन्हें देखकर वो अपना सारा सामान इस कूड़े कचरे के नीचे छुपा देती है। फिर खुद भी एक कमरे में जाकर छुप जाती है, जो उसने अपने लिए एक महफूज जगह बनाई हुई। जैसे लुटेरों का ग्रुप यहाँ पर आया, बिल्डिंग के हर एक घर को वो चेक करने लगते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर खास कोई चीज नहीं मिलती। लुटेरों में एक बच्चा भी था जो आसपास गोलियाँ चलाने लगता है। इस वजह से आशा काफी डर जाती है, लेकिन खुद को काबू करने के लिए वो अपने माज की अच्छी यादों में चली जाती है, जिनमें वो अपनी छोटी बहन को देखती है। जब ये दोनों बहनें एक साथ थीं, कुछ देर के बाद जब लुटेरे वहाँ से छड़ गए तो आशा भी बाहर आई, क्योंकि रात हो गई थी तो सो जाती है। हर रात आशा को डाना सपना आता है, जिसमें वो अपनी फैमिली को डूबता हुआ देख रही थी, लेकिन चाहकर भी उन्हें नहीं बचा पाती। अगले दिन वो जब सोने लगी तो अचानक उसी बिल्डिंग में आवाजें आने लगती हैं। इसलिए वो टॉर्च लाइट लेकर हर जगह चेक करती है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। पर उसे कहीं ना कहीं शक था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मतलब कोई यहाँ पर चोरी छुपे आ गया है। इसीलिए वो हाथ धोकर साबुन को वहीं छोड़कर अंदर चली जाती है। पर तभी यहाँ एक छोटी बच्ची जो उस साबुन को उठा लेती है। तभी यहाँ पर आशा भी आ गई, जिसने उस बच्ची को देख लिया था। इससे पहले वो बच्ची को पकड़ती, वो ही आशा को मारकर यहाँ से भाग गई, एक दूसरी जगह पर जाकर छुप जाती है। सुबह आयशा उस बच्ची को ढूंढने के लिए निकल गई। उसने देखा कि वो बच्ची दूसरे कमरे में सोफे पर सोई हुई है। आयशा बस उसे देखती है, कुछ करती नहीं, ताकि उसकी नींद न खराब हो, और अपना खाना बनाने के लिए चली जाती है। कुछ देर के बाद हमने देखा कि उस बच्ची ने आशा के कमरे में से बहुत सारा सामान चोरी किया हुआ है, जिनमें से उस बच्ची को आशा और उसकी छोटी बहन की तस्वीरें भी मिलती हैं। बच्ची अभी उन तस्वीरों को देख ही रही थी कि तभी आशा यहाँ पर फिर से आ गई। आशा उससे वो तस्वीरें तो खींच लेती है, लेकिन बच्ची खुद यहाँ से भाग जाती है। आशा को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर अब मैं इस बच्ची का क्या करूं, लेकिन फिलहाल के लिए वो इस बात को अपने दिमाग से निकाल देती है।
बच्ची अभी भी नीचे वाले कमरे में थी जहाँ बहुत सारा पानी भरा हुआ था। आशा को भी क्योंकि उस बच्ची पर तरस आ रहा था तो वो उस बच्ची के लिए नूडल्स बनाकर नीचे लेकर जाती है। पता नहीं बच्ची ने कब से खाना नहीं खाया, यही सोचकर आशा उसे नूडल्स देने लगती है। बच्ची आशा से नूडल्स नहीं लेती, इसलिए वो उन्हें वहीं रख के ऊपर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद बच्ची भी उन्हें खा लेती है। अब अगले दिन वो बच्ची शुक्रिया के तौर पर आशा को वो सारा सामान लुटा देती है जो उसने आयशा के कमरे से ही चुराया था। बच्ची खाने में आयशा के नकल कर रही थी, मतलब नूडल्स कैसे खाने हैं, कैसे ऊपर करना है, जो देखकर आयशा भी काफी हंसने लगती है। अब काफी वक्त के बाद आशा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, पर क्योंकि काफी सालों से उसने किसी से बात नहीं की थी तो फिलहाल वो बच्ची से भी कोई बात नहीं करती और रात में अपने ही कमरे में उस बच्चे का भी बिस्तर अपने साथ लगा देती है। पर बच्चे को नींद नहीं आ रही थी और वो रोने लगती है, कहती है कि मुझे अपने मॉम डैड बहुत याद आ रही है, जो देखकर आशा पहली बार उससे बात करती है। कहने लगी कि तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारी मॉम डैड को ढूंढ लेंगे। तभी यहाँ बच्ची भी उससे बात करती है, कहती है कि मेरा नाम हाय है, जिसके बाद अगली सुबह आशा और आई दोनों छत पर चली जाती है। खेलते खेलते बच्ची दरवाजे की लॉक पर लगी टेप पट्टी को हटा देती है, जिससे देखते देखते दरवाजा बंद होकर पूरा लॉक्ड हो गया, जिसका मतलब था कि ये दोनों छत पर ही फंस गई हैं, जो देखकर आशा काफी परेशान होने लगती है। असल में इस दरवाजे का लॉक खराब था, इसलिए आशा ने लॉक पर टेप पट्टी लगाई हुई थी, लेकिन पट्टी के हटने से लॉक लगा और ये दोनों यहाँ छत पर ही फंस गई थी। अब आशा को परेशान देकर हाय एक तार लेती है और उसकी मदद से दरवाजे को खोल देती है। आशा भी काफी चौंक गई, काफी खुश हो जाती है, मगर साथ में उसे समझाती भी है कि देखो यहाँ की हर एक चीज का मैंने सेटअप बनाया हुआ है, इसलिए बिना पूछे किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना, ठीक है ना? और हाँ, यहाँ पर शोर भी बिल्कुल मत मचाना, वरना यहाँ पर लुटेरे आ जाएंगे। यहाँ पर हाय आशा को कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, आखिर हम कब तक यहाँ पर रहेंगे, यहाँ रहना किसी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन इसके लिए वो साफ साफ मना कर देती है। कुछ देर के बाद आशा ने नोटिस किया कि जो खानदानी नेकलेस मैंने पहना हुआ था वो मेरे गले से गायब है, तो वो काफी परेशान हो गई, हर जगह उसे ढूंढने लगती है। उसे ये लगने लगता है कि वो जरूर हाय नहीं चुराया है, इसलिए जब इस बारे में आशा हाय से पूछती है तो उसे काफी बुरा लगा कि आशा मुझे चोर समझ रही है। वो उससे नाराज हो गई, बिना कुछ कहे अपना सारा सामान लेकर दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाती है। सुबह को आशा देखती है कि हाय पीने वाला पानी कपड़े धोने के लिए जाया कर रही है। इसके अलावा भी उसने कई और सारी चीजें जाया कर दी थी क्योंकि वो नाराज थी, इसलिए आयशा उसे कुछ नहीं कहती। मगर आयशा जब सो रही थी तो एक बार फिर उसे डरावना सपना आया। उसने देखा कि जब समंदर में तूफान आया था तो किस तरह पानी तेजी से मेरे घर में घुस रहा था। वो डरी हुई है, बुरी तरह बचकर भाग रही है। ये इतना भयानक सपना देखकर वो काफी डर गई। चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर हाय यहाँ पर आई और उसे जगाकर हौसला देने लगती है, जिससे यहाँ पर दोनों एक बार फिर बातें करने लगते हैं। यहाँ आयशा हाय को समझाती है कि यहाँ पर कैसे कैसे रहना है। सबसे पहले वो कहती है कि पानी को कम से कम इस्तेमाल करना है, मतलब पीने वाला पानी कैसे और नहाने वाला कपड़े धोने वाला कैसे। साथ ही बिजली से तुम्हें दूर रहना है, साथ ही रेडियो को भी ऊंची आवाज में न सुनी, क्योंकि वो आवाज सुनकर लुटेरे यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हाय आयशा से एक कमरे के बारे में पूछती है जो पिछले काफी वक्त से बंद था। इस पर आशा उसे बताती है कि इस कमरे से बहुत गंदी बदबू आती है, तो तुम गलती से भी कभी इसे मत खोलना। अब बदबू क्यों आया करती थी, ये बात आशा उसे नहीं बताती। अगली सुबह रेडियो पर हाय खबरें सुन रही होती थी, जहाँ पर बताया जा रहा था बचे हुए को गवर्नमेंट मदद दे रही है, जिंदा बचने वाले तमाम लोगों को दूसरे शहर में भेजा जा रहा है जो बहुत महफूज है, खाने पीने का और जरूरत का सारा सामान वहाँ पर दिया जा रहा है, जहाँ पर वो बड़े आराम से अपनी नई जिंदगी गुजार रही है। ये खबर जाकर हाय आशा को बताती है और कहने लगी कि हमें मैं गवर्नमेंट की दी हुई कि इस जगह पर चलना चाहिए, लेकिन आशा एक बार फिर साफ साफ मना कर देती है। ये सुनकर हाय को बुरा लगा और वो आशा को डर से कहने लगती है कि तुम हालात का मुकाबला क्यों नहीं कर सकती, क्यों तुमने सोचा हुआ है कि तुम हमेशा यहीं पर पड़ी रहोगी। लेकिन जब आशा ने फिर से इसे मना कर दिया तो हाय अकेले ही वहाँ पर जाने का फैसला करती है और अब वो प्लास्टिक की बटल्स को आपस में जोड़कर उस जगह पर जाने के लिए अपने लिए कश्ती तैयार करने लगती है, जो देखकर आशा उसे समझाती है कि देखो इस बिल्डिंग से बाहर निकलना खतरे से भरा हुआ है, क्योंकि पानी में शार्क्स और भी खतरनाक किस्म की मछलियां हैं, साथ ही वो जगह भी बहुत दूर आए जहां पर तुम जाना चाह रही हो, वहां पहुंचते पहुंचते खाने पीने जरूरत का सामान खत्म हो सकता है, पानी में हम रास्ते भी भूल सकते हैं,
ये सुनकर हाय उसे एक फेयर गन दिखाते हुए कहती है कि देखो ये मेरे पास है, इसके जरिए मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। फ्लेयर गन देकर आशा काफी घबरा गई। वो हाय से गन को छेड़ते हुए कहती है कि गलती से भी इसे छड़ मत देना, वरना इसकी आवाज़ सुनकर लुटेरे यहाँ पर आ सकते हैं। अब क्योंकि आशा ने हाय के साथ काफी सख्ती से बर्ताव किया था, तो कुछ देर के बाद वो उससे माफी मांगते हुए प्यार से समझाती है कि देखो मेरी बात सुनो, आज से पहले कई बार मैंने यहाँ से निकलने की कोशिश की है लेकिन कभी भी मैं कामयाब नहीं हो पाई। ये बात बताते बताते उसे फिर से पास्ट का एक वक्त याद आने लगता है जब वो फैसला कर चुकी थी कि मैं अपने घर को छोड़ दूंगी, क्योंकि उसके मॉम डैड घर में लाई गई चीज सबसे पहले उसकी छोटी बहन को दिया करती थी, जिस बात की वजह से उसे बहुत गुस्सा आया करता था और वो अपनी बहन से जलती थी। यही वजह है कि उसका ताल्लुक अपने मॉम ब्रेड के साथ भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। अपने माँ बाप का ऐसा श्लोक देखकर वो काफी तंग आ गई थी। हमेशा उसकी छोटी बहन को ही अहमियत दी जाती, इस बात को लेकर अक्सर उसका अपनी मॉम डैड से झगड़ा हो जाया करता था, तो आज वो घर छोड़कर निकल जाती है। मगर तब आशा की बहन ने उसे जाने से रोक लिया था। प्रेजेंट टाइम में आशा देखती है कि उसका वो नेकलेस वहाँ पर गिरा हुआ है जो टूटकर गले से गिर गया था, यानी कि इसमें हाय की कोई गलती नहीं थी, उसने नेकलेस नहीं चुराया था, जिस बात से आशा को काफी शर्मिंदगी हुई और वो हाय से माफी मांगती है। अगले दिन क्योंकि काफी बारिश हुई थी तो इन्होंने पीने का ढेर सारा पानी जमा कर लिया था, लेकिन इस भागदौड़ में एक दिन आशा को एहसास हो गया था कि ये जगह ज्यादा दिन के लिए महफूज नहीं है, बेहतर यही होगा कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए और गवर्नमेंट की दी हुई उस जगह पर रहना चाहिए, तो वो भी अब हाय की बात मान जाती है। उस जगह पर जाने लिए कश्ती बनाने में उसकी मदद करने लगी। पास्ट के एक सीन से हमें पता चला कि जब आशा ने घर छोड़ा था तब उसके साथ उसकी बहन भी थी। जी हाँ, तभी अचानक सुनामी आ गई जिस वजह से हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग डर कर घबराते हुए इधर उधर भागने लगे और आशा को इस बात का बहुत दुख होता है कि मैं अपनी बहन को नहीं बचा पाई। वो इस बात को याद करके प्रेजेंट टाइम में दुखी हो रही थी, पर उसे ये सोच कर तसल्ली हुई कि अब मुझे एक दूसरी बहन मिल चुकी है हाय के रूप में, इसीलिए अगली सुबह वो हाय को अपना वो नेकलेस दे देती है गिफ्ट के तौर पर। खैर, अब कुछ दिन के बाद इनकी छोटी सी कश्ती उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाती है जहाँ ये दोनों निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई थी, लेकिन यहाँ पर गलती से हाय से रेडियो ऑन हो जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर लुटेरे यहाँ पर घुस आते हैं, जो देखकर ये दोनों जल्दी से अपना सारा सामान छुपा देते हैं और हाय जल्दी से जाकर लकड़ी की बनी हुई नकली दीवार में जाकर छुप जाती है, जबकि आशा उसी पुराने स्मेल वाले कमरे में जाकर छुप जाती है। लुटेरे यहाँ पर आकर हर घर में पड़े हुए सामान को बखेड़ा, पीने के सामान उन्हें मिल रहे थे, वो उन्हें अपने पास रख लेते हैं। जिस सरान उस नकली दीवार में छुपी उन्हें हाय भी मिल जाती है। लुटेरे उसे पकड़ लेते हैं, जिस वजह से वो चीखने चिल्लाने लगी। उसकी आवाज आशा भी सुन पा रही थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मैं कैसे हाय को बचाने जाऊं। अब लुटेरे इनकी उस कश्ती को भी तोड़ देते हैं, जिसके बाद वो स्मेल वाले कमरे में चले गए, जबकि आशा को यहाँ पर फिर से उसके पास्ट का सीन याद आने लगता है, जिसमें उसने देखा कि मैं और मेरी बहन किस तरह खतरे में थी, पर जाकर भी मैं उसे नहीं बचा पाई। लेकिन प्रेजेंट में वो अपने आप से कहती है कि वो गलती अब मैं दोबारा नहीं करूँगी और अब वो बड़ी हिम्मत करके बाहर आ जाती है ताकि हाय को बचा सके। उसके पास प्लेयर गन थी, इसलिए एक आदमी जो उसके पास आया था वो उसे मार देती है, फिर वहाँ भागकर दूसरे घर में आ गई, जहाँ वो लुटेरों को फंसाने के लिए एक ट्रैप जाल बचाती है और वहाँ पर रेडियो ऑन कर देती है। आवाज सुनकर दो तीन लुटेरे अंदर आई, तब मौका देकर आशा उन पर हमला कर देती है, उनसे लड़ने लगी और इन सब आदमियों को मार देती है। अब लुटेरों के हेड ने हाय को पकड़ लिया था, तो अब वो आशा को ढूंढने के लिए अपने और आदमियों को भेजता है। इस वजह से आशा एक बार फिर उस स्मेल वाले कमरे में छुपने के लिए चली जाती है। यहाँ पता चला कि उस कमरे में स्मेल क्यों थी। दरअसल यहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी जो गल सड़ गई थी और बदबू उन्हीं में से आ रही थी, पर दो दिन लाशों को सामने आशा नहीं रखा था, क्योंकि ये उसका प्लान था। पहले वो लाशों की मदद से लुटेरे को डराती है, जिसके बाद खुद सामने आकर उसे जान से मार डालती है। उसे खत्म करने के बाद आशा उसका चाकू छीन लेती है और उसके बचे हुए साथियों को भी मार डालती है, और अब वो पहुँच जाती है लुटेरों के हेड के पास, जो दरअसल एक शेपर, जहाँ हेड के साथ भी आशा की काफी लड़ाई होती है, जिस सुरानगी तीनों ही गलती से पानी में गिर जाते हैं। अब इससे पहले शार्क यहाँ पर आती, आशा जल्दी से हाय को लेकर एक जगह पर जाकर छुप जाती है, और अब जब लुटेरा पानी में था तो यहाँ पर एक बड़ी सी शार्क आ गई
जो एक ही झटके में लुटेरे का काम तमाम कर देती है, जिंदा ही खा गई, जिसके बाद दोनों जल्दी से लुटेरों के शिप पर चढ़ गए, जिससे आखिरकार दोनों की जान बच जाती है। ये शिप काफी अच्छी थी, यहाँ पर खाने पीने और किसी जगह की तंगी नहीं थी। जबकि आयशा इस रात पहली बार ड्राउन सपने के बगैर सो पाती है। सुबह जब दोनों उठी तो उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि अब उन्हें अपनी एक नई जिंदगी दिखाई दे रही थी। दोनों एक जगह पर खड़ी होकर उम्मीद भरी नजरों से आगे देखने लगती हैं, और इसी के साथ ही ये कहानी भी इधर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल नाउ फिल्मिसियंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।